नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि दो चार दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि मान के चलो आपने क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक से लेकर रखा है और उस समय आप अगर सैलरी स्लिप नहीं दिए होंगे या फिर इनकम टैक्स रिटर्न वाला पेपर नहीं दिए होंगे और ऐसे ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया होगा, चाहे बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर में आपको क्रेडिट कार्ड दिया होगा, तो अब जो है उसका क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए आपको इन दो डॉक्यूमेंट में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे आपका सैलरी स्लिप हो गया या फिर इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हो तो वह जो है पेपर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो के नीचे ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि ये फेक वीडियो है, इस तरह के अपडेट बैंक की तरफ से नहीं जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि यहाँ पर लिमिट बढ़ाने के वक्त किस तरह से यहाँ पर डॉक्यूमेंट खोज जाती हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हो एक्सिस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में हम मौजूद है और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एम पिन डालकर हम सबसे पहले लॉग इन करते हैं। तो हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्रेडिट कार्ड नज़र आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो 30,000 रुपये का क्रेडिट लिमिट यहाँ पर दिया गया है। देखो नीचे में यहाँ पर टोटल कंट्रोल की ऑप्शंस आता है, इस पर हम क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद ना यहाँ पर चेक फॉर लिमिट इंक्रीज की ऑप्शंस आता है। आप लोगों को पता होगा अगर बैंक के तरफ से लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर दिया गया होगा तो आप लोगों को यहीं पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर है, आप लोग लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। अगर लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर नहीं दिया गया होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि कोई भी लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर नहीं है और अभी आप लोग लिमिट को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक फॉर लिमिट इंक्रीज पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा गया है इसे आप भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो यहाँ पर रिव्यू करने के बाद, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह देखने के बाद लिमिट इंक्रीज करने की ऑफर जो है आपको दिया जाता है, यानी कि आप जो है एलिजिबल होते हो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने के लिए। लेकिन नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बातें किया गया है और यहाँ पर अप्लाई नाउ की ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब ये बोलेगा कि आप जो है अपना ब्राउजर से इस लिंक को ओपन कीजिए, यानी कि ये एक लिंक रहता है, इसे आपको अपने ब्राउजर से ओपन करना है। तो चलिए ओपन करके हम बता देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का सहारा लिया है, तो इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि अगर आपने एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा कर रखा है और वह एक सैलरी अकाउंट है और उसी पर आपको क्रेडिट कार्ड मिला है तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट ये नहीं है ना, तो वैसी स्थिति में आपको जो है यहाँ पर सैलरी स्लिप जो कि लास्ट दो महीने का आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है तीन महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिस बैंक में आपका सैलरी जाता है उसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगा, या फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर IT रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न का पेपर। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह हो तो इनकम टैक्स रिटर्न का पेपर आपको अपलोड करने का जरूरत पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों नीचे में यह भी लिखा गया है कि आप यह सभी डॉक्यूमेंट जो है ईमेल या फिर चैट के मदद से अपलोड कर सकते हैं, जो कि यहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा चैट का। आप चाहो तो कॉल करके इनसे जानकारी भी ले सकते हो और थर्ड नंबर में ऑप्शंस मिल जाएगा ईमेल का, ठीक है ना। और नीचे में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर बड़े ही आराम से आप FAQs की तरह यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर वगैरह देख सकते हो कि क्या ये कैसे लिमिट इंक्रीज होगा और कैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और यह लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप जो है अच्छे ढंग से यहाँ पर रीड कर सकते हैं। देखो चैट वाले ऑप्शंस पर अगर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर चैट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर लीजिए। चैट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है और स्टार्ट चैटिंग पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पर सुबह के 9:30 बजे से लेकर
शाम के 6:30 तक चैटिंग जो है आप यहां पर कर सकती हैं, समझ रहे हो ना। तो यहां पर आपको जो है अपने अकाउंट के साथ जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वही दर्ज करना है, और जो आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना कंट्री कोड के साथ, जैसे +91 है इंडिया का, तो ये दर्ज करके उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है कैप्चा एंटर करके, उसके बाद ही आपको स्टार्ट चैटिंग के ऊपर क्लिक करना है, जो कि 9:30 से शाम 6:30 तक आपको यहाँ पर चैटिंग उपलब्ध मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से चैट कर सकते हैं, और चैट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद ही आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है इनक्रीज किया जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर सभी अकाउंट पर हो सकता है कि यह फैसिलिटी आपको देखने को ना मिले, इस तरह की बातें आपको देखने को ना मिले। बहुत सारे अकाउंट पर ऐसे भी होंगे कि बैंक की तरफ से अगर ऑफर मिला है तो डायरेक्ट आप इंक्रीज करने जाओगे उस समय वो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आप एटीएम वगैरह से जाकर क्रेडिट कार्ड उसमें लगाकर उसके बाद वहां से भी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। तो आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रूफ दे दिया है कि किस तरह से यहां पर क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज करने के वक्त आपसे यहां पर डॉक्यूमेंट वगैरह खोजा जा सकता है। हम अभी सभी बैंकों के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक्सिस बैंक की तरफ से यह लागू कर दिया गया है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।